हेलो गाइस, वेलकम टू लुमिन सेकेंड क्लास। आज हम मॉडिफिकेशन टूल्स और लैंडस्केपिंग सीखेंगे। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला टूल आता है सेलेक्ट, रोटेट, स्केल, डिलीट, और यहाँ पर चार आएंगे आपको डिफरेंट मूव टूल्स। तो सबसे पहले मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर देता हूँ ताकि मैं इनको आपको यूज़ करके सिखा सकूँ। तो मैं कुछ नेचर के ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ ट्रीज़ लगा लेता हूँ और कुछ यहाँ पर और दूसरी डिफरेंट ट्रीज लगा लूंगा। डेट इज इट। नाउ गाइज, आपको अगर इन टूल्स को सेलेक्ट करना है। नाउ गाइज, अब मैं यहाँ पर कुछ पीपल्स एंड एनिमल्स भी लगा लूंगा लाइक दिस, और अब मैं कुछ ट्रांसपोर्ट की चीज़ लगा लूंगा लाइक दिस एंड दिस, और अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स में से लगा लूंगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर छोटा घर लगा लेता हूँ, या घर की जगह मैं कुछ और लगा लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिटिंग्स अरेंजमेंट ले लिए। ये ऑब्जेक्ट्स जो सारे हैं, इवन घर हो या जो भी हो, ये ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी के अंदर की सारी चीज़ें हैं। इसमें से मैंने अलग अलग कैटेगरीज में कुछ एक एक दो दो आइटम्स लगा लिए। अब मान लो कि मुझे इस कार को सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट टूल पर जाऊँगा, पर देखो मैं कार सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये चेयर सेलेक्ट हो पा रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट वाली कैटेगरी सेलेक्ट करी है और ये ऑब्जेक्ट में से था। अगर मैं नेचर वाली कैटेगरी सेलेक्ट करूँ तो देखो मैं नेचर की सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर सकता हूँ बट दूसरी चीज़ों को नहीं। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले सेलेक्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कैटेगरी जो भी आपको सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उस ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मुझे कार सेलेक्ट करना है, तो मैं ट्रांसपोर्ट वाली कैटेगरी पर सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट, और अब देखो ट्रांसपोर्ट वाली चीज़ सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मान लो आपको रैंडमली कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक बड़ा आपको रेक्टेंगल मिलेगा बीच में, ये बड़ा, इस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल कैटेगरी, सेलेक्ट टूल्स आपको लेना है, और अब देखो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और इस तरीके से देखो चार चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली। अभी ऑल कैटेगरी सिलेक्टेड है तो हम कार भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पाँच चीज़ हो गई। और अगर आपको सभी जितनी भी चीज़ें दिख रही है सभी को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा कर रखेंगे और इस तरीके से स्क्रीन पे एक बड़ा रेक्टेंगल बना लेंगे, तो देखो सारी 11 की 11 चीज़ सेलेक्ट हो गई। तो इसे बोलते हैं गाइस हम सेलेक्ट टूल के ऑप्शन सारे, और डिससेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा डिससेलेक्ट ऑल। अब मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो सेलेक्ट टूल लूँगा और यहाँ पर मूव फ्री लूँगा। अब ये फ्रीली मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे ऊपर और नीचे। मूव फ्री का मतलब है कैसे भी मूव कर सकते हैं। मूव वर्टिकल का मतलब है अगर मूव वर्टिकल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ ऊपर या फिर नीचे। मूव हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये पीछे आगे दाएं बाएं पूरा 360 घूमेगा बट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन आता है टाइप इन वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, गलती से जैसे आपने इस टूल को थोड़ा हवा में रख दिया, आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा हवा में है, मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा हवा में है, तो ये टाइप इन वैल्यू के अंदर वाई का जो आपको ऑप्शन मिलता है वाई एक्सिस बीच में, आप इसको जीरो कर देंगे तो ये प्रॉपरली लैंडस्केप पे ज़मीन पे लग जाएगा। बट एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो एक्स और वाई का जो काम है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। बिकॉज ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे पास पैरामीटर्स यहाँ लिखा हुआ नहीं होता कुछ भी, तो ये हमारे काम में ऑप्शन नहीं आते हैं। हमारे लिए सिर्फ y की वैल्यू काम की है, वो भी लैंडस्केप पे प्लेस करने के लिए, अगर गलती से हवा में प्लेस हो जाता है देन। अब इसके बाद ऑप्शन आता है रोटेट का। आपको कोई भी चीज़ करना होगा इस, पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा फिर ही वो चीज़ काम करेगी। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा और अब मैंने इस पर्सन को लिया, अब मैंने ये रोटेट टूल को लिया। अब आप मान सकते हैं कि मुझे अगर इसको रोटेट करना है तो यहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे पहला ऑप्शन। अगर गाइज आप लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं 10.5 से नीचे तो आपको सिर्फ हेडिंग टूल मिलेगा, और अगर आप 10.5 या उससे ऊपर का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे ओरिएंटेशन में, हेडिंग, पिच एंड बैंक। हेडिंग मतलब इस तरीके से नॉर्मल रोटेट करना लाइक दिस, ठीक है। और पिच एंड बैंक किस काम में आता है मैं भी आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए ट्री है, ये 100% सारे ट्री स्ट्रेट खड़े हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता, तो मैं इस ट्री को सेलेक्ट करूँगा रोटेट। अब देख पाएंगे इसकी जो हेडिंग है वो तो आप यहाँ से भी रोटेट कर ही सकते हैं।
एक और ऑप्शन है रोटेट करने का, आप इसके डॉट पे जाए माउस का लेफ्ट क्लिक करें और माउस को जैसे जैसे रोटेट करेंगे इसकी हेडिंग रोटेट होगी। यहां पर नीचे आता है पिच, गाइज आप इसको शिफ्ट के साथ ही यूज करें, देखो ये आगे की तरफ झुक रहा है और पीछे की तरफ झुक रहा है। अगर आपको किसी ट्री या ऑब्जेक्ट को इस तरीके से झुकाना हो तो पीच काम में आएगा। अब राइट और लेफ्ट में अगर झुकाना है तो बैंग काम में आएगा, लाइक दिस राइट एंड लेफ्ट। अगेन आप ये पैरामीटर्स को शिफ्ट के साथ ही कम ज्यादा करें। तो इस तरीके से आप रोटेट टूल का यूज कर सकते हैं। बेसिकली गाइज ये हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 1:1 के स्केल में आता है, तो कोई भी चीज को आपको छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट स्टिल मान लो ये ट्री है, आपको ये ट्री छोटा चाहिए, तो अगेन आप सेलेक्ट टूल पे जाओ, सेलेक्ट पे जाओ, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और स्केल टूल को सेलेक्ट कर लो। यहां पर आपको मिलेगा स्केल कम ज्यादा करने का ऑप्शन। अगेन आपको शिफ्ट यूज करना ही है गाइज, देखो ये बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है। इस तरीके से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं, और अगेन इसके बॉल पे क्लिक करके भी आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो यह है स्केल टूल। और अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करें और किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉल पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाता है, लाइक दस, इस तरह से। तो ये थे गाइस सेलेक्ट, सेलेक्ट टूल पे जाएंगे तो नीचे मूव, रोटेट, स्केल एंड डिलीट टूल। अब हम गाइस लैंडस्केप पार्ट सीखने वाले हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में जाना था, यहाँ पर एडिटर टैब है, यहाँ पर थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है उसे हम बोलते हैं लैंडस्केप। लैंडस्केप में हम सबसे पहला टूल सीखने वाले हैं जो कि है हाइट टूल। हाइट टूल जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला टूल है रेज टूल, तो मैं थोड़ा ऊपर चले जाऊंगा आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें इस तरीके का एक सर्कल दिख रहा है। यहाँ पर होता है ब्रश साइज, ये जो सर्कल है हम इसे ब्रश बोलते हैं। आप इस ब्रश का साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और ब्रश कितनी स्पीड में काम करना चाहिए उस स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं ब्रश का साइज करीब इतना बड़ा रखता हूँ और स्पीड में थोड़ी सी और बढ़ा लूंगा। अब यहाँ पर गाइज ये जो रेज टूल है ये लैंडस्केप में रेज बनाता है। रेज मतलब उठाव, जैसे पहाड़, टीला, आइलैंड, कुछ भी बनाना होगा ग्राउंड लेवल से, बेस लेवल से जब आपको लैंडस्केप को या लैंड को उठाना होगा तो आपको रेज टूल का यूज करना है। अब मैं यहाँ पर माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे यूज करूंगा, लाइक दिस। आप देखेंगे इस तरीके से ये पहाड़ बनते जा रहा है। आप आपके अकॉर्डिंग भी कैसा भी पहाड़ किसी भी शेप में किसी भी तरीके से बना सकते हो। अब ये मैंने यहाँ पर यूज किया, आपको लेफ्ट क्लिक माउस का कंटिन्यू प्रेस करके रखना होगा तभी ये काम करेगा। अगर एक बार दबाएंगे तो इतना काम करेगा, छोड़ देंगे तो रुक जाएगा, दबा कर रखेंगे तभी काम करेगा। अब ये हमने कुछ ऐसा रिजल्ट पाया है। अब ये जो ऊपर है लैंडस्केप, इसका अप डाउन है, बम्पी है, या हम बोले उबड़ खाबड़ है। अगर हमें यहाँ पर कुछ घर वगैरह लगाना है या कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट करना है पहाड़ के ऊपर, तो हमें यह फ्लैट चाहिए होगा, प्लेन। तो इसके लिए हमारे पास थर्ड नंबर का जो टूल है फ्लैटन, हमें इसे यूज करना होगा। तो यह फ्लैटन टूल को मैं सेलेक्ट करूंगा और इसके ऊपर हम इसको चलाएंगे। अब मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करके इसे चलाऊंगा। अब आप देखोगे कि ये काफी हद तक प्लेन सा हो चुका है, लाइक दिस। ये बहुत ज्यादा प्लेन हो गया है, मुझे इतना भी प्लेन नहीं चाहिए था। तो अगर आपको एकदम प्लेन नहीं चाहिए तो आप ब्रश का साइज कम रख सकते हैं। और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अंडू लैंडस्केप, देखो अगर मैं अंडू करूंगा तो वापस से पहला हो गया। अंडू गाइज आपको सिर्फ लैंडस्केप में मिलेगा अंडू करने का ऑप्शन, वो भी 4 टाइम्स तक आप अंडू कर सकते हो लैंडस्केप के अंदर। जब हम बाद में मॉडल इंपोर्ट करना सीखेंगे, उसमें काम करना सीखेंगे, तब आपको अंडू का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप इसी तरीके से काम करें यही सोच के कि आपको अंडू नहीं मिलने वाला है और रीडू का ऑप्शन होता ही नहीं है गाइस। तो अब मुझे मान लीजिए इसे फ्लैट करना है, तो मैं इसकी जो स्पीड है ब्रश की कम करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा एकदम फ्लैट ना हो जाए, लाइक दस। अब मुझे ये स्मूथ चाहिए, तो अब इसको स्मूथ करने के लिए, फ्लैट तो आपने थोड़ा कर लिया, अब इसे स्मूथ करना है हमें। एकदम फ्लैट करते तो वो पहाड़ जैसा या आइलैंड जैसा फील नहीं देता। तो अब स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ टूल का यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर देखो हम स्मूथ टूल को यूज़ करेंगे तो आप देख पाएंगे ये जो लैंडस्केप है ये धीरे धीरे स्मूथ हो रहा है। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको विजिबली समझ में आएगा स्मूथ क्या होता है, लाइक दस। अब आप देखेंगे ये काफ़ी हद तक जो है स्मूथ हो चुका है, ये देखो
ये इस तरीके से स्मूथ हो जाता है लाइक दिस। इसे हम बोलते हैं स्मूथ टूल। तो अभी हमने तीन टूल सीखे। अगर किसी भी सरफेस को आपको फ्लैट करना है तो फ्लैटन टूल, स्मूथ करना है तो स्मूथ टूल, और रेज करना है, उठाना है तो रेज टूल। अगर मान लीजिए गड्ढा बनाना होगा तो गड्ढा बनाने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम बोलते हैं लोअर। हम लोअर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं इस तरीके से गड्ढा बना लूँगा। अगर आपको पॉन्ड बनाना है, लेक बनाना है, या किसी भी तरीके का डाउन लैंडस्केप या लोअर लैंडस्केप यूज़ करना है, बनाना है, क्रिएट करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर स्मूथनेस नहीं दिख रही है, तो इसको स्मूथ करने के लिए हम स्मूथ टूल लेंगे और उसके आसपास इस तरीके से थोड़ा स्मूथ कर लेंगे ताकि ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी बैलेंस लगे लाइक दस। अब इसके अंदर हम पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि ये पॉन्ड लगेगा कि हमारा कुआं है या पॉन्ड है लाइक दैट। इसके बाद एक टूल इसके बाद एक टूल और होता है जिसे हम बोलते हैं जिटर। तो जिटर क्या काम करता है आप देख पाएंगे, ये पहाड़ भी बना रहा है और ये गड्ढे भी खोद रहा है। तो ये रेज टूल और लोअर टूल दोनों का एक साथ काम करता है। बट ये जो पहाड़ बनाता है काफ़ी नुकीले और शार्प होते हैं स्पाइक जैसे लाइक दस। अब मान लीजिए मुझे स्पाइक्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, स्मूथ सरफेस लूँगा और इसे स्मूथ कर दूँगा। तब तो आप देखेंगे इस तरीके से बम्पी ग्राउंड बन जाएगा। आप इसको यूज़ करके जीटर को और स्मूथ को बम्पी लैंडस्केप बना सकते हो अप डाउन। यहाँ पर देखें ये पूरा लैंडस्केप प्लेन है बट यहाँ पर बम्प्स हैं, आप सर्कल पे देख पाएंगे बम्प्स बहुत ही क्लियर, इवन आई से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्मूथ टूल चलाते जाएंगे तो ये काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और बम्प्स बहुत कम हो जाएंगे। तो आप आपके अकॉर्डिंगली इसमें बम्प्स लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल गाइज, ओके इस तरीके से गाइज आप ये पांच टूल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अब अगर मुझे लैंडस्केप नहीं चाहिए, मुझे पूरी ज़मीन फ्लैट चाहिए, तो हम इन टूल्स के साथ वो नहीं कर सकते। आप करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन यहाँ पर आता है फ्लैटन लैंडस्केप। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका पूरा लैंडस्केप वापस से फ्लैट हो चुका है, बराबर हो चुका है, और अगर मैं अंडू करूँ तो वापस से आ जाएगा। इस तरह से आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सीखा है रेज टूल, लोअर, फ्लैटन, जीटर, स्मूथ, उसके ब्रश साइज अल्टर करना और ब्रश स्पीड अल्टर करना, अंडू टूल और फ्लैटन लैंडस्केप टूल। हमने इतनी चीज़ें अभी सीखी हैं। अब हम जैसे कि हमने पॉन्ड बनाया, हमें इसमें वाटर लगाना है या पानी डालना है, तो हाइट टूल के पास में होता है वाटर टूल। आप इस पे जाएंगे, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे बेसिकली, एक है प्लेस, एक है मूव और एक है डिलीट, और यहाँ पर एक और है फोर्थ ऑप्शन चूज वाटर टाइप। यहाँ पर आपको पानी को लगाने के लिए प्लेस वाले टूल को सेलेक्ट करना होगा, माउस का लेफ्ट क्लिक जो है उसको प्रेस करके रखना होगा और ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना होगा। जैसे ही आप बनाकर क्लिक छोड़ेंगे ऐसा आपको पानी दिखेगा। बीच में आपको ये एरो दिखेगा जो बोल रहा है मूव वर्टिकल, आप इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ माउस को ले करके जाएंगे, माउस को प्रेस करेंगे, वैसे ही पानी लैंडस्केप के अंदर चला जाएगा। जितना आप माउस को नीचे लेके जाएंगे उतना पानी नीचे जाएगा, और ऊपर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा। आपको जहाँ पानी को प्लेस करना है वहाँ पर क्लिक को छोड़ दें, पानी प्लेस हो चुका है। इस तरीके से आप पानी को लगा सकते हैं, और पानी का अगर आपको टाइप चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे चूज वाटर टाइप। छह तरह के पानी हैं, एक है डर्ट वाटर देख सकते हैं, माउंटेन वाटर, ट्रॉपिकल, ओशन, पॉन्ड वाटर, और यहाँ पर एक है आइस मतलब फ्रीज लेक या फ्रीज पॉन्ड जमा हुआ। अगर आप कोई ऐसी जगह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाँ पर बर्फ़ होती है तो वहाँ पर जो लेक वगैरह होते हैं या पॉन्ड होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं बर्फ़ के टाइम पर, तो आप आपके पसंद से जो पानी लगाना चाहें वो रिप्लेस कर सकते हैं। और इनकेस अगर मान लो आपको ये वाटर डिलीट करना है, सूखा पॉन्ड दिखाना है, तो डिलीट पे सेलेक्ट करें, इसके सेंटर में आकर आप इस पर क्लिक कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं प्लेस करूंगा तो प्लेस नहीं होगा, आपको प्लेस करने के लिए प्लेस टूल ही सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है गाइस ओशियन। अगर मैं ओशियन पे क्लिक करूं यहाँ पर आपको ऑन ऑफ करने का स्विच मिलेगा। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा देखो चारों तरफ आपको ओशियन दिखेगा और ओशियन के ऊपर ये आइलैंड दिख रहा है। तो अगर आपको आइलैंड का सीन बनाना है तो आप इस तरीके से आइलैंड बनाकर इसके ऊपर घर रख सकते हो, पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। प्लेस
प्लेसमेंट्स करना, एनवायरमेंट क्रिएट करना, ये सब मैं आपको आगे धीरे धीरे सिखाता चला जाऊंगा। बेसिकली गाइज लैंडस्केप सीखना आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है, हो सकता है आप कोई थीम प्रोजेक्ट पे वर्क करें, जैसे कोई फॉरेस्ट है वहाँ पर आपको घर बनाना हो या रिजॉर्ट बनाना हो, कोई आइलैंड टाइप से आपको कोई प्रोजेक्ट मिले थीम पार्क का, तो वहाँ पर छोटा सा आइलैंड क्रिएट करके वहाँ पर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आप इस तरीके से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे आप इसको ओशन के ऑप्शन को ऑन करोगे, आपको 6 वैल्यूज़ मिलेंगी एडजस्ट करने के लिए। पहली वैल्यू वेव इंटेंसिटी, अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ देखो, आप देख सकते हैं वेव की इंटेंसिटी बढ़ती है। नीचे है टर्बुलिटी, इसे वेव की टर्बुलिटी मतलब स्पीड बढ़ती है। इसके नीचे हाइट, गाइज जब भी हाइट टूल को आप कम या ज़्यादा करें, कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट की को प्रेस करके ही करें, अदरवाइज़ क्या होगा, अचानक से बहुत बढ़ जाएगा पानी या कम हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा पानी कम ज़्यादा करके देखना है, शिफ्ट को अब मैं दबा कर रखूँगा, अब मैं इसको देखो बढ़ा रहा हूँ तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कम भी कर रहा हो तो स्लोली स्लोली कम हो रहा है। इस तरीके से आपको जहाँ तक पानी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग उतना पानी, मुझे यहाँ तक रखना, अब मैंने शिफ्ट भी छोड़ दिया और बढ़ाना भी छोड़ दिया। अब आप देख पाओगे इस तरीके से आप ओशियन को हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आता है सरफेस ब्राइटनेस, जो ऊपरी सतह होती है ओशियन की उसे हम बोलते हैं सरफेस, और ब्राइटनेस हमें पता है, ब्राइटनेस अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो इस तरीके से ब्राइटनेस ऐड होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा पानी लाइट करना है तो ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेसिकली अच्छा नहीं लगता है तो आप आपके अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको मिलेगा सरफेस कलर, अभी देखो थोड़ा ब्लू है, अब आप इसको वाइट कर सकते हो, ब्लैक कर सकते हो, ग्रे कर सकते हो, येल्लो लेके जाओगे, तो जो टेक्स्चर चाहो पानी में वो दे सकते हो। इसके बाद आता है वाटर ब्राइटनेस, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो पानी आपको ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अब दूर दूर तक देखेंगे तो पास पास में ट्रांसपेरेंट है, दूर थोड़ा ब्लू है क्योंकि यहाँ पर ब्लू सिलेक्टेड है। अगर आप इसको भी वाइट ले लेंगे तो उधर अब आपको थोड़ा लाइट ब्लू दिखेगा, लाइट वाटर कलर दिखेगा। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंट लेक बनाना है या ट्रांसपेरेंट बीच बनाना है तो उस तरीके से आप वाटर ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम करेंगे तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद होता है गाइज कलर प्रीसेट, जैसे सरफेस ब्राइटनेस हमने एडजस्ट करी वैसे ही कलर प्रीसेट को आप यूज़ कर सकते हो। ये प्री बिल्ट प्रीसेट है वाटर का सरफेस ब्राइटनेस को या सरफेस कलर को एडजस्ट करने के लिए। तो ये हमारा था गाइज ओशियन का ऑप्शन, अगर आपका काम हो चुका है तो आप ओशियन को बंद कर सकते हैं। ओशियन में आप बहुत सारे प्लेसमेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे पास ट्रांसपोर्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास बोट्स या शिप भी है, आप उन्हें सेलेक्ट करके जहाँ लगाना चाहो लगा भी सकते हो, उस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट्स कैसे करते हैं, मूव प्लेसमेंट सारी चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो ये गाइज हमारा लैंडस्केप का ओशियन ऑप्शन था, तो मैं ओशियन बंद कर लेता हूँ, और मुझे अभी लैंडस्केप जो है पूरा प्लेन चाहिए, तो मैं हाइट टूल में जाऊँगा और फ्लैटन लैंडस्केप करूँगा, तो पूरा हमारा नॉर्मल लैंडस्केप हो गया जैसे था। नाउ गाइज हम एक सीन बनाना सीखेंगे, फिर हम पेंट करना सीखेंगे। तो हम एक सीन बनाएंगे स्ट्रीट का सीन, उसमें हम घर लगाएंगे, पीपल्स लगाएंगे, एनवायरनमेंट पूरा क्रिएट करेंगे। तो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मैंने एक छोटी सी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करी है, मैं वो स्क्रिप्ट आपको दिखाता हूँ। ये वो स्क्रिप्ट है गाइज पॉन्ड सीन, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट्स प्लेस करने के लिस्ट मैंने बनाई है। हाउस लैंडस्केप के अंदर हमें पॉन्ड बनाना है तो हमने पॉन्ड लिखा है, पॉन्ड में वाटर बॉडीज डालेंगे जैसे फिश एंड ऑल थिंग्स, बर्ड्स, रॉक, स्टोन, फ्लावर, प्लांट, वुड, ग्रास, हमें 3D ग्रास में बनाना आपको सिखाऊंगा, पीपल, कार, रोड, ट्रीज, ये सब चीज़ें हमें बनाना है, लगाना है, और फिर हम रेंडर करेंगे। तो रेंडर की सेटिंग्स मैं तब बताऊँगा, पहले हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे अगर यहाँ पर स्ट्रीट बनाना है तो पहले मैं कुछ घर को प्लेस करूँगा। तो मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमें मिलेगा यहाँ पर आउटडोर, आउटडोर में हमें यहाँ पर मिलेंगे घर। तो मैं यहाँ पर अभी ये वाला घर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं प्लेस कर दूँगा यहाँ पर। आपको प्लेस कैसे करना है, इसे हम बोलते हैं सिंगल प्लेसमेंट। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है जो भी चीज़ आप प्लेस करना चाहते हो और ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको बोलते हैं सिंगल प्लेसमेंट। मैं यहाँ पर इसे प्लेस कर दूँगा लाइक दिस, और प्लेस होने के बाद भी आपको दिखता रहेगा तो आपको कीबोर्ड पे एस्केप की को प्रेस करना है, तो आप प्लेस कमांड से हट जाओगे। यहाँ पर हमने एक घर लगाया, मैं इसके पास कुछ घर और लगाऊंगा ताकि स्ट्रीट जैसा फील आए। तो मैं
ओके यहाँ पर इस घर को लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से, और ये वाला जो घर है मैं कुछ यहाँ पर, ये वाला घर मैं यहाँ पर लगा लूँगा कुछ इस तरह से। और अब मैं कुछ बड़ी बिल्डिंग्स लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, या अपार्टमेंट ब्लॉक ले लूँगा ओल्ड, यहाँ पर मैं कुछ अपार्टमेंट ब्लॉक लगा लेता हूँ लाइक दिस। और इसके बाद मैं यहाँ पर, ओके हमारे पास फैक्ट्री है, मैं एक फैक्ट्री लेके यहाँ पे लगा लूँगा। और हमारे पास इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ये रहा, मैं एक इंस्टीट्यूशन लेकर यहाँ पर लगा लूँगा एंड डेट इज़ इट। अब आप देखो मैंने स्ट्रीट टाइप से कुछ बनाया है, अगर हम यहाँ से रोड बनाना चालू करें लाइक दस, यहाँ से यहाँ पर, और फिर इन्हें कनेक्ट करें, फिर इन्हें कनेक्ट करें, तो रोड हम पेंट करेंगे बिकॉज ये लैंडस्केप है, तो हमें यहाँ पर पेंट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मिट्टी की रोड हम बनाते हैं या पत्थर वाली रोड, वैसी चीज़ हम पेंट करके बना सकते हैं। कंक्रीट की रोड या डाम्बर की रोड अगर आप बनाना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आपको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में आपके मॉडल के साथ बनाकर लगाकर लाना होगा, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने प्लेसमेंट किया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉन्ड बनाना है घर के यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक पॉन्ड बनाऊंगा। मैं लैंडस्केप में जाऊंगा, हाइट के अंदर मैं लूंगा लोअर, बहुत बड़ा ब्रश है तो ब्रश साइज छोटा करूंगा, इतना पॉन्ड मुझे थोड़ा और छोटा चाहिए, इतना ठीक है। तो अब मैं इतना पॉन्ड और ब्रश की स्पीड भी कम कर लूँगा, मैं यहाँ पर बना लूँगा लाइक दिस। देखो जैसे ही बना है बहुत तेज़ी से बना, क्योंकि स्पीड अभी भी ज़्यादा है, तो मैं ऑनडू कर लेता हूँ, स्पीड थोड़ी और कम करूँगा, यहाँ पर अब बनाऊँगा। इतना बड़ा पॉन्ड मेरे लिए ठीक है, मैं इसको स्मूथ कर लूँगा लाइक दिस। ओके ये भी स्मूथ कर लिया हमने। अब इस पॉन्ड के अंदर हम पानी लगाएंगे, तो वाटर में जाएंगे, प्लीज़ वाला ऑप्शन लेंगे और इस तरीके से रेक्टेंगल बना लेंगे। अब मैं इसको पानी अंदर इस तरीके से लगा लूँगा लाइक दिस, और इसका जो वाटर है मैं माउंटेन वाटर लगा लूँगा, डेट इज़ इट। अब हमें क्या करना है गाइस, अब हमें यहाँ पर रोड पेंट करना सीखना है। तो रोड कैसे पेंट करेंगे हम, हमें जाना होगा लैंडस्केप के अंदर, फोर्थ ऑप्शन होता है पेंट ऑप्शन, इसमें हम लैंडस्केप को पेंट कर सकते हैं। ये जो पेंट ऑप्शन है यहाँ पर हम रोड बनाना सीखेंगे, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, पहला होता है चूज लैंडस्केप, इस पर मैं क्लिक करूँगा। आप देखेंगे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप है, जैसे आप यहाँ पर नीचे एक लैंडस्केप देख रहे हैं, ये है यूरोप वाला। अब यहाँ पर जैसे एक थाईलैंड वाला भी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप है। अगर मैंने सेलेक्ट किया देखो थाईलैंड स्नो, ये पूरा स्नो वाला बन गया, और इसके बाद वाइट स्नो लाइक दिस। तो इस तरीके से अलग अलग आपको यहाँ पर लैंडस्केप मिलते हैं, तो मैं ये वाला लैंडस्केप यूरोप वाला जो था वापस लगा लूँगा, मुझे इसी पे काम करना है। इसके बाद आप यहाँ पर 1 2 3 4 बॉक्सेस देख रहे हैं, ये आपके पेंट बकेट्स हैं, पेंट ब्रशेस हैं। पहला वाला पे जो ग्रास है ये देखो चेंज टेक्सचर, ये वाली ग्रास पूरे लैंडस्केप पे ऑलरेडी प्री पेंटेड है, अगर आप बदलना चाहो तो इस तरीके से बदल सकते हो लाइक दिस, मैं इसी ग्रास को रखना चाहता हूँ। इसके बाद एक और ऑप्शन है ये वाला, इसे अब ब्रश को सिलेक्ट करेंगे हम। अब इस पेंट के ऊपर अगर वापस से पेंट करना है तो हम दूसरा पेंट सिलेक्ट करके कर सकते हैं, मतलब अब इससे हम रोड बनाएंगे। तो ये यूरोप रॉक है, ग्रेवल है, यहाँ पर कोल्ड ग्रेवल है, ये मिट्टी है, यूरोप सैंड है, यहाँ पर अलग अलग आपको जैसा लैंडस्केप बनाना हो, मतलब आपको जैसा पेंट करना हो, वो आप टेक्सचर ले सकते हो। मैं यूरोप रॉक लेता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं छोटा कर लूँगा ब्रश का, और स्पीड बढ़ा लूँगा मैं, तो इतना बड़ा रोड हमारे लिए ठीक है। मैं यहाँ से पेंट करना स्टार्ट करूँगा लाइक दिस। हमने यहाँ तक पेंट किया, हम कनेक्ट करेंगे और अगेन यहाँ से हम यहाँ पर निकालेंगे एक और रोड, और इसे बीच से इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। और अब मैं यहाँ से एक रोड लेकर जाऊँगा और इसे कनेक्ट करूँगा लाइक दिस। आपको टेंशन नहीं लेना है कि रोड बिल्कुल स्ट्रेट दिखना चाहिए या मोटी पतली कहीं हो रही है, बिकॉज ये पेंटेड लैंडस्केप, ये कच्ची रोड है, कच्ची सड़क है, तो ये वैसे ही एक्ट करेगी, वैसे ही दिखेगी। ऊपर से अभी आपको अजीब सी लग रही है, बट जब हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इसके ऊपर मैं चल के आपको दिखाऊंगा, तब आपको ये सही लगेगी। हमारा जो मेन मॉडल है वो ये वाला है, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी जो है हमने स्ट्रीट बनाया है, और इससे इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमने रोड बनाई थी, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लेकर जाएंगे, यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसके डोर से, और इसे
यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। अब देखेंगे हमने पेंट किया है। अब मैं नीचे जाता हूँ, अब ये आप देख सकते हैं टेक्सचर। अब मैं इसके ऊपर चलने वाला हूँ, ये देखो टेक्सचर। अब अगर आप इसके ऊपर वॉक करोगे W से, तो आप देख पाओगे अब ये ऑकवर्ड नहीं लग रही, अब ये जो रोड है नॉर्मली लग रही है कि ये ठीक है, जो कच्ची रोड होती है आप इस तरीके से देखते हो वैसा टेक्सचर है। अब इसमें एक ऑप्शन और आता है गाइज, टाइल साइज। जैसे कि अभी आपको टेक्सचर दिख रहा है, आप इसको छोटा छोटा दिखा सकते हो या बड़ा बड़ा दिखा सकते हो लाइक दस। तो टाइल साइज टेक्सचर आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा रखना है। अब जब हम चलते हैं इस टाइप की रोड पे, कच्ची रोड पे, तो आसपास थोड़ी मिट्टी भी जमती है, तो हम थर्ड वाला पेंट बकेट सेलेक्ट करेंगे और इसकी जो ओपेसिटी है वो कम कर देंगे ब्रश की स्पीड, और हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको स्ट्राइक करेंगे कि हल्की हल्की जो है मिट्टी यहाँ पर आसपास इस तरीके से जमा होती जाए लाइक दस, कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा। अब यहाँ पर हम हल्का सा मिट्टी यहाँ पर भी इस तरीके से पेंट कर देंगे थोड़ा सा। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक और ब्रश है, आप चाहो तो इसे यूज़ कर सकते हो, और अगर वो नहीं लग रहा है तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर आप देख पाओगे गाइस, जो हमने लेक बनाया, पॉन्ड बनाया है, इसके आइट साइड जो होता है इसे बोलते हैं साइड रॉक। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा साइड रॉक का। अब इस पर क्लिक करोगे चेंज टेक्सचर, तो इसका टेक्सचर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जो आपको लगाना है। बेसिकली साइड रॉक में यूरोप साइड रॉक ही बेटर लगता है। इस रॉक की भी आप टाइल साइज जो है छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो साइड रॉक है, जब आप पहाड़ बनाते हो तब भी उसके साइड में दिखता है, तो ये इस तरीके से काम में आता है। तो हमने जो है पेंट ऑप्शन समझ लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारे लिस्ट में देखते हैं, हमने पेंट कर दिया, हमें सारी चीज़ों को प्लेस करना है, जैसे वाटर बॉडीज, बोर्ड्स एंड सारी चीज़ें। तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें प्लेस कर लेंगे। हम जाएंगे कंटेंट लाइब्रेरी में और हम जाएंगे नेचर वाले ऑब्जेक्ट में या कैटेगरी में। अब यहाँ पर हम नेचर वाली चीज़ें लगाएंगे, जैसे मैं ये ट्री ले लूँगा और इस ट्री को प्लेस कर दूंगा। इसे हम सिंगल प्लेसमेंट बोलते हैं, आपको पता है, अभी हमने सीखा था। और कुछ झाड़ मैं यहाँ पर लगा लूँगा इस तरह से, कुछ एक दो झाड़ यहाँ पर और कुछ झाड़ इधर, और इसके अलावा मैं दूसरा ट्री लूँगा लाइक दिस और उसे प्लेस कर लूँगा कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर पीछे। आपको लैंडस्केप खाली नहीं दिखना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि लैंडस्केप जो है वो खाली नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हमें ये लगा लेंगे। अब मैं क्या करूँगा गाइज, क्लस्टर मतलब बने बनाए जंगल, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं यहाँ पर लगा लूँगा लाइक दिस। एक जो है मैं यहाँ पर लगा लूँगा और एक जो है मैं यहाँ पर लगा लूँगा, डेट इज इट। तो इस तरीके से हमने इसे प्लेस कर लेना है ताकि हमारा जो खालीपन है, जब हम रेंडर बनाएंगे तो खालीपन ना दिखे, लैंडस्केप का रेंडर तो खालीपन हमें नहीं दिखाना होता है। अब हमने ये नेचर के ऑब्जेक्ट में से ट्रीज लगा लिए। अब हम वापस से नेचर के ऑब्जेक्ट में जाएंगे, मैं फ्लावर में जाऊंगा, मैं ये फ्लावर लेता हूँ और ये घर के आसपास यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा लाइक दिस, ठीक है। अब मैं जाऊंगा प्लांट में, मैं ये वाला प्लांट सेलेक्ट करूंगा और ये प्लांट में यहाँ पर लगा लूंगा, एक यहाँ पर कुछ रैंडमली मैं यहाँ पर लगा लूंगा, कुछ रैंडमली मैं यहाँ पर लगा लूंगा। सेम आपको थोड़ा रैंडमली, जैसे नेचुरली होता है कहीं कहीं पर चीज़ें उग जाती हैं, उस तरीके से आपको बना लेना होगा लाइक दस। अब मैं क्या करूँगा, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा एम्प्टीनेस है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगेन कुछ ट्रीज लगा लूँगा छोटे छोटे कुछ इस तरह के, और एक दो बड़े ट्री, जैसे मैं अब ये वाला ट्री ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगा लाइक दस, डेट इज़ इट। अब मुझे जाना है फॉरेस्ट वुड में, तो मैं छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है उन्हें मैं पूरे प्लेन पे रैंडमली कहीं पर भी इस तरीके से गिरा दूंगा, क्योंकि तो ये लकड़ियाँ छोटी छोटी है और हर जगह गिर सकती है, कुछ पानी में भी हम गिरा देंगे। इसके बाद हम लेंगे स्कैटर्ड लीव्स, टूटी हुई पत्तियाँ, और इन्हें हम जैसे यहाँ पर बिखेर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रीज हैं लाइक दस, कुछ यहाँ पर बिखेर लेंगे, कुछ यहाँ पर बिखेरेंगे, कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है रॉक्स का। अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और कुछ बड़ा रॉक लूँगा और इन्हें यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगा लाइक दस, मैंने 3 रॉक लगाए यहाँ पर साथ में, ये छोटे छोटे रॉक मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा दूँगा
ज़रूरी नहीं आपको इतने सारे लगाना, आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, मैं सिर्फ आपको प्लेस करना बता रहा हूँ। डिलीट, मूव, रोटेट, ये सारे टूल्स मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा। एक मैं बड़ा स्टोन और लेता हूँ, यहाँ पर लगा दूंगा, डेट इज इट। मुझे इतने स्टोन लगाने थे, मैंने सारी चीज़ें नेचर की कैटेगरी में कंप्लीट कर ली हैं। अब मुझे जाना है पीपल्स एंड एनिमल्स में, मैं जाऊँगा मरीन लाइफ में, कुछ फिश लूँगा, मैं ये पॉन्ड में लगा दूंगा कुछ इस तरह से, कुछ ये वाली। और अब मैं जाऊँगा बर्ड्स में, मैं यहाँ पर डक लेता हूँ, कुछ एक दो डग मैं यहाँ पर लगा दूंगा, कुछ ये वाले डक लगा देंगे। और यहाँ पर है हमारे पास स्वान, तो मैं एक स्वान यहाँ लगा लूँगा। पीजियन लेता हूँ, मैं पीजियन को यहाँ पर इस तरीके से कुछ बाहर 5-6 पीजियन लगा लूँगा। यहाँ मैं बर्ड्स लूँगा और यहाँ पर कुछ बर्ड्स को मैं प्लेस कर दूँगा लाइक दिस, ताकि हमें कुछ बर्ड्स उड़ते हुए दिखें। और इन्हें मैं ऊपर नीचे भी करना, मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से मैंने कुछ बर्ड्स लगा लिए हैं और हमारा पीपल लगाना है। अब एनिमल्स का काम हो गया, अब मैं पीपल्स के अंदर जाता हूँ मैंस में, और ये जो वॉकिंग पर्सन है मैं इसे ले लेता हूँ, जो कि वॉक करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा है। अगेन मैं एक पर्सन लूँगा, यहाँ मैं एक फीमेल ले लेता हूँ जो कि अपने घर के बाहर यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ पर हम एक बच्चा भी ले लेंगे जो घर के अंदर खेल रहा है कुछ इस तरह से, और कुछ और लोगों को ले लेंगे जो कि साइकिल चला कर जा रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगा कुछ इस तरह से। और अब मैं एक कार ले लूँगा जो हम इस रोड पर लगा देंगे लाइक दिस, ओके डेट इज़ इट। इतने पीपल्स हमारे लिए एक सीन में काफ़ी हैं, आप चाहे तो आपके अकॉर्डिंग और लगा सकते हैं। अब देखते हैं हमने क्या क्या कर दिया है। हाउस हो गया, पॉन्ड, लैंडस्केप हो गया, वाटर बॉडी, बर्ड, रॉक, स्टोन, फ्लावर प्लांट, फूड, पीपल, कार, ट्री, रोड, सब हो गया। सिर्फ 3D ग्रास बचा है। अब मैं आपको 3D ग्रास सिखाऊंगा। तो 3D ग्रास के लिए अगेन हम जाएंगे लैंडस्केप में, तो मैं सबसे पहले थोड़ा नीचे आ जाता हूँ घास के करीब, ताकि आपको डिफरेंस मैं समझा सकूँ। अब आप देखेंगे गाइस, ये जो घास है ये पेंटेड है, ये 3D टेक्सचर्स में नहीं है। तो हम लैंडस्केप वाले ऑप्शन में वापस से जाएंगे और लैंडस्केप ग्रास पे जाएंगे और इसको ऑन करेंगे। जैसे ऑन करूँगा देखो, अब आपको इस ग्रास के अंदर ओरिजिनल टेक्सचर भी दिखेगा लाइक दस। अगर वापस ऑफ करूँ आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने जो स्टिक लगाई थी ये थोड़ी सी अंदर की तरफ अब दिख रही है, क्योंकि इसके ऊपर घास आ चुकी है लाइक दस। अब यहाँ से आप घास का साइज बढ़ा सकते हो और छोटा कर सकते हो जितना आपको लगे। यहाँ से ग्रास की हाइट बढ़ा सकते हो, छोटी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ग्रास की वाइल्डनेस, वाइल्डनेस थोड़ी सी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। वाइल्डनेस मतलब कहीं घास बहुत अच्छी, कहीं घास बिल्कुल कम, ये रियलिस्टिक फील बढ़ाती है। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऐड स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे मैंने ये वाला फ्लावर लिया, अब आप देख पाओगे फ्लावर इस तरीके से रैंडमली पूरे लैंडस्केप पे लग जाता है। आप इसका स्प्रेड बढ़ाओगे तो ये काफ़ी दूर दूर फैल जाएंगे, और इसका साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ रैंडम बढ़ा दोगे तो कोई छोटा और कोई बड़ा होगा, जो आपको ज़्यादा रियल फील देगा। आपको और ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो वापस से ऐड पे क्लिक करें, आप जितने ऐड करना चाहे कर सकते हैं। अगर ये वाले ऐड करना है तो ठीक है, ना नहीं तो बैक करें। और जो जैसे मुझे पत्ता लगाना है तो मैंने पत्ता लगाया, इसका स्प्रेड मैं बढ़ाऊंगा और रैंडमाइज साइज भी कर दूंगा। मैं एक और ऐड करूंगा, वापस ऐड पे जाऊंगा, बैक करूंगा और स्टोन लूंगा छोटे वाला और इसे स्प्रेड कर दूंगा और रैंडम कर दूंगा, डेट इज इट। अब मेरा घास का भी काम हो चुका है। एक चीज़ याद रखे गाइस, जब भी आप घास पे काम करें आप काम करके इसे टर्न ऑफ कर दें। ये जो भी आपने काम करा है ये इसी में रहेगा, आपको रेंडर से तुरंत पहले इसको ऑन कर देना होगा। अदरवाइज ये पूरा टाइम ऑन होगा तो आपका सिस्टम स्लो हो सकता है और लैग खा सकता है, तो इसीलिए हम इसको पूरा कंप्लीट करके ऑफ कर देते हैं। तो मैं अभी आपको हाइट पर जाकर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं पूरी ग्रास में इस तरीके से लैंडस्केप की जो हमने चीज़ें लगाई हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे फ्लावर है, पत्ते हैं, पत्थर है, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखने वाली है पूरे लैंडस्केप पे, एंटायर लैंडस्केप पे। अब आप यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा जो सीन है वो काफ़ी सेट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इसके आगे हम अगली क्लास में सीखेंगे। एंड गाइज, हम लोग एक फ्री इंस्टीट्यूट रन करते हैं जहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंटीरियर डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, और जो कैपेबल नहीं हैं फाइनेंशियली, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट
पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं और जॉब के लिए हेल्प भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्टूडेंट को हेल्प करना चाहते हो तो आपकी इच्छा से कुछ भी सपोर्ट हमें दे सकते हैं। मैं अकाउंट नंबर की डिटेल और बारकोड वीडियो के लास्ट में ड्रॉप कर दूंगा। आप 1 रुपये, 5 रुपये और जो भी डोनेट करना चाहें आप उन बच्चों के लिए डोनेट कर सकते हैं। आपके एक छोटी सी हेल्प से शायद किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है लाइफ में। हम हमारी तरफ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपकी भी इच्छा हो एक छोटा सा डोनेशन, एक छोटी सी चेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो प्लीज़ डू डोनेट। अगर आप लोग चाहते हैं गाइस कि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और ट्यूटोरियल्स वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स प्रोवाइड करें। हम लोग इसी तरीके से आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के सभी सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स वीडियोस डालते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग अस।